आइए मिस्टर नॉम नॉम, एंडी बैंग अंदर ही है। अच्छा है, समय ऐसा है कहाँ, झूम रहा है पूरा जहाँ, बाजों को ना बाजेंगे हम पूरी रात, हाँ नाचने दो। क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ करना और कोई बात हाँ, आज की रात बाजों को ना पार्टी गाना क्यों बंद कर दिया? आओ आओ, पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। हेलो एंड्रू, तुम्हें इतनी बोरिंग टीम लेकर घूमते हुए जरा भी शर्म नहीं आती ना? बोरिंग, बोर तो हम तुमसे हो गए हैं, तुम्हारे पिछले वीडियोस को व्यूज ही नहीं मिले। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे फैंस को वीडियो देखने का वक्त नहीं मिला होगा। दूध पीते फैंस दूध पीने में बिजी होंगे। तो दूध पीना तो अच्छी बात होती है ना? दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती है। अभी तुम्हारे टेढ़े मेढ़े दांत टूथब्रश को भी टेढ़ा कर देते होंगे। क्या कहा? तुम्हारी आवाज़ सुनकर सब कान बंद कर लेते हैं। तुम इतने छोटे हो कि मॉल के प्ले जोन में भी एंट्री ना मिले। तुम्हारे सिर में जुए भी हैं। तो तुम्हें भी ये पता था? क्या बात है एंडी, तुम्हारी टीम कुछ नहीं कर पा रही? मेरी दूसरी टीम आकर बहुत कुछ करेगी। हैं? बाहर जाकर लड़ते हैं। फाइट 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 फाइट। लेकिन नॉन नॉन कहाँ गया? उसने हमें धोखा दिया। हमने उसे दोस्त बनाकर गलती की। हमारी बात सुनो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी दोस्त हैं। ओ, तुम्हारे सनग्लासेस कितने अच्छे हैं। हाँ दोस्तों, ये देखो नॉम नॉम का मैसेज। झुको झुको। डरा दिया ना, और सब शूट भी हो चुका है। वीडियो अपलोड हो गया सर। सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं। तुमने देखा ना एंडी, मैंने एक डराने वाले को डरा कर दिखा दिया। तुम्हारी कहानी खत्म। ये तुम्हारा प्लान था? इसका मतलब तुमने हमारा इस्तेमाल किया? मुझे लगा हम लोग दोस्त हैं। दोस्त थे, अब एंडी का किस्सा खत्म हो गया है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरा अकाउंटेंट तुम्हें पैसे दे देगा। इन सबको सिर्फ $5 का चेक देना, उससे $1 ज्यादा नहीं, समझे? कम से कम हमें घर छोड़ दो। नॉम नॉम ने मुझे अनफ्रेंड। हम अभी फ्रीवे पर हैं, दो पुलिस यूनिट। पांडा, तुम्हें लगता है कि वो कार वाला पुलिस से बच पाएगा? नहीं, वो पकड़ा जाएगा, जरूर पकड़ा जाएगा। देखने में मजा आ रहा है। हमारे इसमें शामिल हो गई हैं। अब क्या लगता है कितने चांसेस हैं? हालात नहीं, लगता है डिनर तैयार है। नहीं नहीं, उसे टेबल सेट करने में वक्त लगता है। हाँ, ये कार और सबसे अजीब बात यह है और सबसे बड़ा खाना ठंडा हो रहा है। ओ हाँ, ये खत्म हो ही रहा है, हम आ रहे हैं बस। ओ, ओ देखो वो भाग रहा है। पकड़ा जाएगा कि नहीं? जैसा कि हम देख सकते हैं, और पुलिस कार्स उसके पीछे लगी हुई हैं। आइस बेयर वॉक पर जा रहा है। हाय, आपका स्वागत है। हम आ गए। भूख लगी है। भूख भूख भूख। हाँ, खाना कहाँ है? ग्रेज, खाना तो कचरे के डिब्बे में है। अच्छा, आइस का इंतजार करते हैं, आता ही होगा। बहुत भूख लग रही है। हाँ, वक्त बहुत हो गया, वो आया क्यों नहीं? वो इतना गैर जिम्मेदार क्यों है? हाँ, चलो उसे ढूंढते हैं। वो अजनबियों के लिए खाना क्यों बना रहा है? उसे हमारी परवाह नहीं है। वो बदल गया है, उसने झूठ कहा, हमें भूखा रखा। मतलब ही कहीं का, देख लेना बाद में आकर माफी मांगेगा। नहीं, हमें उसकी जरूरत नहीं, उसकी जगह किसी और को रख लेंगे।
चलो चलते हैं। हाँ भालू खाना इकट्ठा करते हैं। फिर खाते हैं। वाह 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 क्या बात है। तुम्हें यह नहीं खाना अब क्या खाऊं? एक मिकी चैन के लिए और एक पांडा के लिए। पता है ग्रिजली बेस यानी कि मैं हाइबरनेशन से पहले खा खा कर 150 किलो वजन बढ़ा देते। सुनो तुम्हें पता है हाइबरनेशन में चैन के नींद सोने के लिए ग्रिजलीज खाना ढूंढने के लिए 100-100 मील दूर जाते हैं। ग्रिजलीज जैसा कोई नहीं होता। और भूख लगी है। चलो देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ मेरा पेट बड़ा हो चुका है, आगे क्या करना है। भालू अपनी गुफा के लिए नर्म चीजें कलेक्ट करते हैं। नर्म चीजें? गाना गाना मेरे पास की बात नहीं। टॉवल कहाँ चला गया? मेरी सारी चीजें कहाँ चली गई? मिस्टर पेंगुइन, पैंडा तंग मत करो, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ग्रेस ये मेरी चीजें हैं, तुम इन्हें नहीं ले सकते। सॉरी भाई पर मुझे ये चाहिए, मुझे पूरे 5 महीने सुना है, तुम दोगे ना? नहीं नहीं दूंगा, तुम 5 महीनों के लिए मेरी चीजें नहीं रख सकते। और जरा देखो तुमने ड्राइंग रूम का क्या हाल बना दिया। आइसबर्ग को ये हाइबरनेशन पसंद नहीं आ रहा। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम्हारी मर्जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ओ मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था जब ग्रिजली बेयर का हाइबरनेट करने का वक्त आता है तो उसकी बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है। बस भी करो, हमें तुम्हारे हार्मोन्स के बारे में नहीं जानना। एक हद होती है क्रिस, हम तो इस तरह अपनी खूबियों को लेकर बावले नहीं हो जाते हैं। आइसबर्ग बावला हो गया तो समझो दुनिया ओवर। मेरी बात मानो और ये सब भूल जाओ, हम जैसे जीते थे वैसे ही जिएंगे। ओके अब मैं समझ गया हूँ, तुम दोनों जल रहे हो, पर कोई बात नहीं, मैं अपना हाइबरनेशन कहीं और कर लूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम दोनों जल कुकड़ों से बहुत दूर, हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर थोपते हैं। गुड नाइट। वेलकम टू द शो, मैं हूँ टॉम। और मैं हूँ केट। क्यों जानवर किसे पसंद है? मुझे है टॉम। हाँ केट हम सबको भी पसंद है। क्यूट क्यूट जानवर इंटरनेट पर छा रहे हैं और स्टूडियो में हमने उनमें से दो को बुलाया है। प्लीज हमारे गेस्ट का स्वागत कीजिए, नॉम नॉम द कोआला और पांडा द पांडा। बुलाने के लिए थैंक्स, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। स्माइल करते रहो। तो चलिए सबसे पहले वो छींकने वाला वीडियो देखते हैं जो सबको बहुत पसंद आया है। मन करता है इसे अभी झप्पी दे दूं। मैं तो इस पांडा को रोज झप्पी देता हूँ। वैसे मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, सब मुझसे यही पूछते हैं कि हे नॉम नॉम तुम्हारा नया वीडियो कब रिलीज होने वाला है, तो मेरा जवाब है अभी इसी वक्त। ओके तो नॉम नॉम के नए वीडियो को हम अभी यही देखेंगे। हे चू ये रिकॉर्ड करना बंद करो। सॉरी। नॉम नॉम ने तो पांडा का वीडियो कॉपी किया है। नहीं दोस्तों मैंने ये वीडियो पहले ही बना लिया था। वैसे खुशखबरी है, एनुअल क्यूटनेस कॉम्पिटिशन होने ही वाला है। कॉम्पिटिशन? हाँ पांडा, दो जानवर उसमें भाग लेंगे और उनमें से एक को इंटरनेट का सबसे क्यूट जानवर घोषित किया जाएगा। हमारे एनुअल क्यूटनेस कॉम्पिटिशन के दो कंटेस्टेंट हमारे सामने ही बैठे हैं, कॉम्पिटिशन में बड़ा मजा आएगा। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं जाइएगा मत।